टाटा संस के मानद चेयरमैन रतन नवल टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने बुधवार देर रात करीब 11 बजे अंतिम सांस ली। वो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल की इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती थे और उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। निधन की जानकारी उद्योगपति हर्ष गोयनका ने सबसे पहले दी। उन्होंने रात 11:24 पर सोशल मीडिया पर लिखा कि घड़ी की टिक टिक बंद हो गई है, टाइटन नहीं रहे। रतन टाटा ईमानदारी, नैतिक नेतृत्व और परोपकार के प्रतीक थे। रात करीब 2 बजे उनका पार्थिव शरीर अस्पताल से उनके घर ले जाया गया। टाटा का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा को 7 अक्टूबर को भी आईसीयू में भर्ती किए जाने की खबर थी। हालांकि उन्होंने ही इसका खंडन करते हुए कहा था कि वो ठीक हैं, रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल पहुंचे हैं। उनके निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी सहित तमाम नेताओं ने शोक व्यक्त किया है।